आप देख रहे हैं न्यूज टुडे NT24। खबर सबसे पहले। खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। विंध्याचल धाम में 1650 करोड़ की लागत से पूर्वांचल का पहला रोपवे बनकर तैयार है। विंध्याचल आने वाले भक्तों को अब रोपवे से जंगल, पहाड़ और मनोरम दृश्यों को देखने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री पर्यटन को बढ़ावा और भक्तों को सहूलियत के लिए नवरात्र में सौगात दे सकते हैं। यूपी के मिर्जापुर जिले में अष्टभुजा पहाड़ पर पूर्वांचल का पहला रोपवे बनकर तैयार हो गया है। आने वाले नवरात्रि में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों इसकी शुरुआत कराई जा सकती है। इसके बाद यहां आने वाले श्रद्धालु इसका लाभ उठा सकेंगे। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। करीब आधा किलोमीटर लंबे रोपवे को दो पार्ट में बनाया गया है। पहला काली खोह मंदिर से अष्टभुजा मंदिर की लंबाई 286 मीटर है तो दूसरा अष्टभुजा पहाड़ से नीचे सड़क तक चलाया जाएगा जिसकी लंबाई 180 मीटर है। पर्यटन विभाग की तरफ से PPP मॉडल पर रोपवे तैयार किया गया है। इससे माता अष्टभुजा देवी के दर्शन के लिए भक्तों को करीब 150 सीढ़ी चढ़ने उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नई दिल्ली की एक कंपनी से रोपवे निर्माण का करार साल 2014 में हुआ था। लगभग 6 साल बाद रोपवे बनकर तैयार है। पर्यटन विभाग की तरफ से PPP मॉडल पर रोपवे का निर्माण कराए जाने से अष्टभुजा तथा काली खोह में दर्शन के लिए भक्तों को ऊंची पहाड़ी वाले मार्ग पर घंटों नहीं चलना पड़ेगा। 286 मीटर ऊंचे रोपवे से अष्टभुजा तथा काली खोह टेम्पल तक पहुंचने में केवल 2 मिनट लगेंगे। भक्तों में इसको लेकर काफ़ी उत्साह है। अन्य प्रांत से आने वाले दर्शनार्थी भी इस नई व्यवस्था से खुश हैं। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार विंध्याचल में पूर्वांचल का एकमात्र रोपवे यहाँ का निर्माण विगत कई वर्षों से चल रहा है जिसका सज धज कर तैयार हुआ है। बस यहाँ अगर ये खुल जाएगा तो यहाँ रोजगार की आशा बढ़ जाएगी, रोजगार मिलेगा, स्थानियों को फायदा होगा और श्रद्धालुओं को भी जो सीढ़ियाँ 150 चढ़ना पड़ता वो न चढ़कर मात्र 5 मिनट में चढ़ जाएंगे उनको भी सुविधा मिलेगी। रोपवे का निर्माण हुआ है। पहला कालीखोह से ऊपर अष्टभुजा की पहाड़ी पर आता है और दूसरा अष्टभुजा मंदिर के पास से वो नीचे जाता है। एक की लंबाई लगभग 180 मीटर है, दूसरे की 286 मीटर है। दोनों का टेक्निकल क्लियरेंस जो है जुलाई में हो चुका है और दोनों की लागत लगभग 1650 करोड़ रुपये की है। मैं मानता हूँ कि इस रोपवे के संचालन से लोगों में एक आकर्षण का भाव आएगा और हमारा जो पर्यटन है खासकर जो बच्चों में उत्साह दिखेगा उससे और बढ़ेगा। बच्चों के साथ बड़े भी आ सकते हैं और खासकर जिन लोगों को पैरों में दिक्कत है, जो पैदल चलने में असमर्थ हैं, काली खोह से अष्टभुजा मंदिर आना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया होगा। वो सीधा रोपवे से आ सकेंगे और उसके बाद अष्टभुजा आने के बाद गाड़ी से ही अष्टभुजा मंदिर तक जा पाएंगे। मिर्ज़ापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट।